माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी जिसे शायद ही कोई हो जो ना जानता हो, क्योंकि इस कंपनी ने दुनिया में कंप्यूटर की लोकप्रियता बढ़ाने का काम किया, जिसे बचपन के दो दोस्तों बिल गेट्स और पॉल एलन ने 4 अप्रैल 1975 को इस्टेब्लिश किया था। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर निकाले और 31 साल के गेट्स दुनिया के सबसे युवा अरबपति बन गए और आज भी वो टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन हाल ही में इस कंपनी के सॉफ्टवेयर में एक खामी आई जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला, जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में नेटवर्क सिस्टम धड़ाम कर दिया। एविएशन सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज, आईटी सेक्टर, रेलवे, मीडिया हाउसेस और बैंकिंग सेक्टर पर भी इसका असर देखने को मिला। बता दें कि दुनिया भर की सैकड़ों एयरलाइंस कंपनियों ने तो फ्लाइट तक कैंसिल कर दी। एक तरह से हालात ये हो गए कि डिजिटल लॉकडाउन कुछ घंटों के लिए लग गया। ज़्यादातर कॉरपोरेट कंपनियों में फ्राइडे को जब कर्मचारी पहुंचे तो उन्हें सिस्टम पर ब्लू स्क्रीन नज़र आई, और इस ब्लू स्क्रीन को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी कहते हैं, जिसमें ब्राउज़र सिस्टम के क्रैश होने के बाद कंप्यूटर अपने आप रिस्टार्ट मोड पर चला जाता है। और ये घटना इतनी अप्रत्याशित होती है कि इसे मृत्यु के समान ही माना जाता है, और दुनिया में भी यही हुआ। इससे घंटों तक उनका कामकाज प्रभावित रहा। सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रिस्टार्ट होते रहे, और ऐसे में सवाल उठता है कि भारत और दुनिया भर में कितना नुकसान हुआ। क्या ये साइबर अटैक की वजह से हुआ? भारत में इसका कितना और किस सेक्टर पर कितना असर पड़ा? ऐसे में कई सवालों के जवाब हैं जिन्हें इस रिपोर्ट में समझते हैं। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर करीब 15 घंटे तक ठप रहा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। ये सब अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक के खराब सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हुआ। बता दें कि कंपनी की एक गलती से पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि इससे क्राउड स्ट्राइक कंपनी को नुकसान भी बहुत हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्राउड स्ट्राइक का मार्केट कैप आउटेज से पहले लगभग $83 बिलियन के पार पहुंच गया था, लेकिन झटके में आए इस क्राइसिस के कारण इसे तगड़ा झटका लगा और देखते ही देखते इसका मार्केट कैप $8.8 अरब से कम हो गया। यानी कि एक झटके में ही कंपनी को करीब 73,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बता दें कि कंपनी दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर में से एक है, जिसके ग्लोबल स्तर पर करीब 30,000 से ज़्यादा ग्राहक हैं। हालांकि इस गड़बड़ी से दुनिया भर में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि घंटों तक सर्वर डाउन रहने की वजह से सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को ही करीब 50 अरब का नुकसान हो गया। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया है कि माइक्रोसॉफ्ट को सर्वर में गड़बड़ी के बाद कुछ ही घंटों में $18 बिलियन यानी कि करीब 15 खरब रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। अगर बात भारत की करें तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के शेयरों में बड़ी गिरावट भी देखी गई, जिसकी वजह से कंपनी को करीब 5,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और इसके साथ ही यात्रियों को भी काफ़ी असुविधा हुई। जबकि बैंकिंग सेक्टर को लेकर RBI ने कहा कि देश के 10 बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कामकाज में मामूली दिक्कत आई, जिसे ठीक कर दिया गया था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये कोई साइबर अटैक नहीं था। क्राउड स्ट्राइक के CEO जॉर्ज कर्टेज ने इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए लिखा कि क्राउड स्ट्राइक उन ग्राहकों के साथ मिलकर काम कर रहा है जो विंडोज़ होस्ट के लिए एक एकल सामग्री अपडेट में पाई गई खराबी से प्रभावित है। जॉर्ज कर्टेज ने आगे लिखा कि ये कोई सुरक्षा घटना या साइबर हमला नहीं है। बता दें कि दुनिया भर में ज़्यादातर कंप्यूटर और लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलते हैं, और ऐसे में जब OS में दिक्कत आई तो उस पर काम कर रहे तमाम सिस्टम ठप पड़ गए और कंपनियों का कामकाज भी लटक गया था। लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। लेकिन इस छोटी सी दिक्कत ने पूरी दुनिया को एक झटके में हिलाकर रख दिया और खरबों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन दो देश ऐसे भी रहे जिन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। दरअसल ये दोनों देश कोई नहीं बल्कि रूस और चीन है। रशिया और चीन दुनिया के दो ऐसे देश हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को देखते हुए खुद की तकनीक को विकसित किया, और उसी का नतीजा है कि आज जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्वर ठप होने से दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई, तब इस टेक्नोलॉजी वाले भूकंप के झटके चीन और रशिया ने ना के बराबर महसूस हुए। इस स्टोरी को तैयार किया है हमारे साथी मंचकार ऋषभ ने। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।